आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। 8 बज चुके हैं और हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं लेकर प्रोग्राम अंदाज अपना अपना। रमज़ान का महीना, मुबारक मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है और हम सब अपने गुनाहों से तौबा करें और उस खुदा की बारगाह में रमज़ान की फजीलत बयां करें। सुनो रमजान की दास्तां को, सुनो रहमतों का बयां है बयां को, सुनो रहमतों का बयां है बयां को, सुनो लड़का था एक शहर में जो हुस्न बेमिसाल, कम सिन था जिसकी उम्र थी समझो के 7 साल। रमजान के जो चांद पे उसकी नजर पड़ी, उसके भी दिल में रोज की एक आरजू जगी। रोजा रखूंगा मैं भी ये माँ बाप से कहा, सहरी करूंगा मैं भी जगा देना तुम जरा। सुनो रमजान की दास्तां को, सुनो रहमतों का बयां है बयां को, सुनो रहमतों का बयां है बयां को, सुनो। लड़के की बात सुन ली मगर कुछ नहीं कहा, लड़का सुबह उठा तो हुआ उनसे वो खफा। समझाया माँ ने बाप ने, ऐ मेरे गुलसिता, रोजा नहीं है फर्ज अभी तुझ पे मेरी जान। नन्ने से दिल को बात का सदमा बड़ा हुआ, माँ से कहा कुरान में कहता है ये खुदा। रोजे की भूख प्यास जो हस्ती उठाएगी, उस रोजेदार को न ये दोजख जलाएगी। कुरान जिसमें उतरा सुनो वो महीना है, तौबा कबूल करता खुदा वो महीना है। सुनो रमजान की दास्तां को, सुनो रहमतों का बयां है बयां को, सुनो रहमतों का बयां है बयां को, सुनो। आई जो सर पे रात तो वो जागता रहा, सहरी भी कर ली चुपके से खुश हो के सो गया। उठा सुबह तो माँ से कहा सारा माजरा, माँ ने बड़े ही प्यार से फिर उससे ये कहा। रोजा न रख सकेगा ये जिद छोड़ मान जा, दे दूंगी अपना रोजा तुझे मेरे दिल रुबा। तोड़ूंगा मैं न रोजा कभी कुछ न खाऊंगा, आखिर खुदा को किस तरह ये मुंह दिखाऊंगा। माँ ने कहा कि भूख लगी होगी लाडले, गर्मी है तुझको प्यास लगी होगी लाडले। कहने लगा कि चाहे जमीन पर हो आफताब, पानी का एक कतरा भी पीना बड़ा अजाब। सुनो रमजान की दास्तां को, सुनो रहमतों का बयां है बयां को, सुनो रहमतों का बयां है बयां को, सुनो। अल मुख्तसर जोहर जो गई आ गई असर, वो प्यास जान ले गई पथरा गई नजर। माँ ने कहा कि हाय मेरा लाल चल दिया, इफ्तारी जो बनाई थी वो भी न खा सका। रोजे का वक्त हो गया लेकिन कहाँ है वो, अब तो खुदा की राह में आखिर रवा है वो। इतने में एक फकीर ने आकर ये भी सदा, मैं भी हूँ रोजेदार के ले लो मेरी दुआ। जो कुछ भी पास हो मुझे खाना खिलाइए, मातम ये कैसा है जरा इतना बताइए। आंखों से आंसुओं का जनाजा गुजर गया, माँ बाप दोनों बोल के बच्चा ही मर गया।
बोला फकीर मुझको खुदारा बताओ तुम, लाशा कहाँ है बेटे का मुझको दिखाओ तुम। साहिल ने लाश देख के क्या जाने क्या पढ़ा, मुर्दे के दिल पे हाथ रखा और भी सदा। मासूम रोजेदार के अब रोजा खोल तू, कब तक यू चुप रहेगा जरा मुंह से बोल तू। इतना ही सुन के बच्चे ने फिर आंख खोल दी, माँ ममता की मार थी उससे लिपट गई। साहिल नहीं था वो था फरिश्ता खुदा का था, बच्चे को जिंदा करके जो रूपोश हो गया। आती है इम्तिहान की इंसान पे घड़ी, अल्लाह पे जान दे दे वो मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी। संगीत का जादू सबके सर पर चढ़ के बोले। अरे हो सांभा, कितने पैसे दिए इस मोबाइल के रे? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000? क्या सुनोगे महारथी फोन मा? उड़ान आइडल। उड़ान आइडल? ये उड़ान आइडल किस चिड़िया का नाम है रे? संगीत का जादू सबके सर पर चढ़ के बोलेगा। किसी का सुर लगेगा और किसी का सुर ढोलेगा। किसकी होगी जीत और कौन खाएगा मात, ये सिर्फ वक्त ही बोलेगा। अब आएगा मजा खेल का। इंटरनेट रेडियो पर संगीत का महामुकाबला उड़ान आइडल जल्द आ रहा है। रेडियो उड़ान पर गब्बर भी सुनेगा ये उड़ान आइडल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका खैर मकदम करते हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त सरिता जी, जो अक्सर हमारी मदद करने के लिए हमारे शो में शामिल होती रहती हैं। सरिता जी, आपका स्वागत है, खैर मकदम है अंदाज अपना अपना में। थैंक यू सो मच सर। और ये बताइए कि आज आपकी तरफ का मौसम कैसा है? जी, आज तो मतलब बादल छाए हुए थे और पर बारिश नहीं हुई है अब तक। थोड़ा बहुत बिजली चमक भी रही थी, फिर भी हो सकता है नाइट में बारिश हो। जी, यहाँ भी कुछ मौसम ठीक ठाक सा लग रहा है। और इस ठीक ठाक मौसम में देखिए, क्योंकि रमजान का महीना आ गया है और रोजेदारों को मुश्किलात पेश ना आए, इसलिए शायद ईश्वर की कृपा हुई है उन पर और कुछ लोगों की दुआएं, जो सच्चे लोग हैं उनकी दुआएं काम आई और मौसम में कुछ तब्दीली हुई, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं अपने इस शो की। और बदलते हुए मौसम में जो प्रेमिका होती है ना दोस्तों, वो अपने महबूब को रिझाने के लिए क्या क्या करती है, आइए जरा सुनते हैं। Thank you.
हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, रेडियो उड़ान आरजे लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। आप सुन रहे हैं राज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान सुनने वालों को सभी श्रोताओं का स्वागत है फिर से इस शो में, जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। सर तो दोस्तों, हम आपके साथ इस शो में हैं, और जब बात निकलती है हीरो और हीरोइन की, यानी इस बदलते हुए मौसम में हीरोइन अपने हीरो को रिझाने के लिए सिंगार करती है, बहुत कुछ करती है, अपने आप को सजाती संवारती है, लेकिन कभी कभी होता कुछ यूं है कि उनके तमाम वो
सोलह सिंगार वगैरह फीके पड़ जाते हैं और परेशानियों में घिर जाते हैं वो लोग जिनके लिए वो ख़ुद को सजाना संवारना चाहती हैं, क्योंकि उन महबूब और महबूबा के बीच में कुछ रुकावटें ऐसी पैदा हो जाती हैं दुनिया की, जिनकी वजह से उनकी हर शाम परेशानी की शाम बन जाती है। परेशानी की शाम जब बन जाती है तो इस तरह से उनके दर्द की आवाज़ कुछ यूं निकलती है। दर्द में डूब गई शाम, न जाने क्या सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शामे गजल के तमाम सामईन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया। पिछले चंद सालों में इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शामे गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ, आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल के थ्रू और सुनते रहिए शामे गजल आरजे सैफ के साथ, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं
राज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों हम आपके साथ जुड़े हैं शो में जिसका नाम है शामे गजल और हमारे साथ इस वक्त सरिता जी जुड़ी हुई हैं। सरिता जी आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? जी सर मैं वो वाला गीत सुनना चाहूंगी लता मंगेशकर की आवाज में, जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिन को गाना पड़ेगा। वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा और जबरदस्त गीत है, बहुत अच्छी कंपोजिशन है ये। आइए ये गीत सुनते हैं आपका और एंजॉय करते हैं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी। थैंक यू सर।
अभी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4। तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। द टॉपिक ऑफ माई स्पीच इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच वी लिव। It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, हम एक बार फिर से आप लोगों का खैर मकदम करते हैं। इस वक्त 8:30 बज चुके हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजे वरुण। आरजे वरुण, आपका खैर मकदम शो में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब सर, और सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं वरुण और आया हूं आज साहब सर के शो में अंदाज अपना अपना में। बिल्कुल, इसके बाद मेरा भी एक शो आएगा रात को 10 बजे, और लेट्स प्ले 2020, और वो भी सभी सुने और सभी खेले हमारे साथ, बहुत मजा आएगा खेलने में। जी साहब सर, कोई खास गीत जिसकी फरमाइश आप करना चाहें आज के दिन? जी, आज का जो मेरा गीत है वो है आनंद मिलन की कॉम्पोजिशन है, और आमिर खान और पर फरमाया गया गाना है, और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाना है। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो है हम कब से सनम। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिल्म कौन सी है? कयामत से कयामत तक। अच्छा, हम सोच रहे थे शायद ये कोई गैर फिल्मी गीत है। चलिए खैर, आपने फिल्म का नाम बता दिया, अच्छा किया। पेशे खिदमत है आपका गीत, फिर मिलते हैं दोस्तों इस गीत के बाद। क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। I'm not afraid to die.
तेरे तो हैं हम कब से सनम अकेले अब ये नहीं सपना ये सब है अपना अब ये नहीं सपना ये सब है अपना ये जहां प्यार का सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है मैं
मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। जगने लगी शोलों के दिल में भी आग जलने लगी। मैं ठहरी रही, जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मत्थम, चांद चलने लगा, आसमां ये हाल क्यों पिघलने लगा। दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, हम फिर से खैर मकदम करते हैं आपका। एक छोटी सी गलती हमसे हो गई, दानिश भाई की, हमारे साथ दानिश साहब थे लेकिन उनकी फरमाइश कुछ यूं हुआ कि हमने नहीं सुनी, गायबाना तौर पर हमारे स्टूडियो ने सुन ली और वरुण के गीत को ओवरलैप कर गया उनका पसंदीदा गीत। इतनी ज़बरदस्त फरमाइश थी जो बिन कहे ही हमने सुन ली। खैर, आरजे वरुण की फरमाइश तो हम चलाएंगे ज़रूर, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हैं नेहा अग्रवाल जी। नेहा, आपका खैर मकदम शो में।
थैंक यू सर। आप इस शो में भी पहली बार आई हैं, हमारे अंदाज अपना अपना में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आज? आज मैं सुनना चाहूंगी मैं वो चांद। आप तो चांद हैं ही, इसमें शक क्या है? थैंक यू। तो लीजिए आपका पसंदीदा गीत आपकी खिदमत में पेश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, आप तशरीफ लाएं हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अश्कों में है यादें तेरी, भीगी भीगी रातें मेरी गुम है कहीं राह मेरी। मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ। मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। तुझको पढ़ा है तू है आयत मेरी, जन्नत तू ही है तू होना ना दूर। अजमत है तुझसे तू ही है मेरा नूर। दिल की सलाखे कैद रखे है जैसे परिंदा कोई, हाँ कोई। अश्कों में है यादें तेरी, भीगी भीगी रातें मेरी गुम है कहीं राह मेरी। मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ। मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। दिल में लावा चले अंगारों के साए में हर पल खाले, फुरकत का लम्हा फिर से आए ना अब, इससे रिहाई दे दे ऐ मेरे रब। दिल के तार बंदे अश्कों में है यादें तेरी, भीगी भीगी रातें मेरी
कहीं राह मेरी, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ। मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। This world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, हम फिर से एक बार आपका खैर मकदम करते हैं और हमारे साथ एक फरमाइश आई है जो उड़ान लाइव शो में एक व्हाट्सएप नोट भेजा गया है। आइए उसको सुन के देखते हैं कि किसने क्या फरमाइश की है। जी Hi, good evening to all. My name is Jisha, and I'm first time listening this Udaan live shows by Sarita. I want to listen Kabil title song. तो जरूर हम आपकी खिदमत में काबिल का टाइटल सॉन्ग पेश करते हैं, आइए सुने। थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। सपने सभी तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल सभी तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल। ये शरारते ये मस्तियाँ अपना यही अंदाज है,
ہی سب خوشیوں کا اب تو یہ آغاز ہے دوستو, اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اور فرمائشیں آپ کی لے سکیں. ہاں, ورن جی کی فرمائش کو اوورلیپ کر گئی تھی دانش صاحب کی فرمائش, اور ہم اب ورن کی فرمائش چلا کر آپ سے الوداع کہتے ہیں. گڈ نائٹ, شب راتری, شب بخیر. اگلا شو تیار ہے, سنتے رہیے ریڈیو اڑان, اب فلائٹ آف لائف.
अब ये नहीं सपना, ये सब है अपना। अब ये नहीं सपना, ये सब है अपना। ये जहां प्यार का छोटा सा, ये आशियां बाहर का, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो है हम सबसे सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। एक जरा साथ हो तेरा।